रेडी हो चुकी है पैक। इसमें कौन कौन बैठा है? क्या हो रहा है? चैनल सब्सक्राइब कर लिया। चैनल सब्सक्राइब करो भैया, आराम से देखेंगे उसने अपना चैनल। तो श्वेता मम्मी और जय इधर बैठे हुए हैं, जयश्री है और चलो हम लोग आते हैं उस वाली गाड़ी से। ठीक है, ओके, मिलते हैं स्टेशन में, बाय। हम लोग का न्यू ईयर ट्रिप स्टार्ट होने वाला है अभी, मतलब और हम सबसे पहले जा रहे हैं अभी घर। तो चलते हैं, तो उस वाले में चार लोग हो गए हैं और इसमें हम दोनों जाएंगे इस वाले कैब में उनका, और फिर मिलेंगे स्टेशन पे। हाँ, हे एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी? होप यू आर डूइंग गुड। ईयर के फर्स्ट ट्रिप करने जा रहे हैं अभी हम लोग, जा रहे हैं घर। उसके बाद क्या क्या होता है यह सब आप लोगों को आगे आगे देखने को मिलेगा कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमते हैं, कैसा कैसा क्या क्या प्लानिंग्स है। और फिलहाल अभी तो कुछ भी नहीं है, सबसे पहले पहुँचते हैं घर, बिकॉज बहुत टाइम हो गया है। जून के बाद से अभी हम लोग नहीं गए हैं घर, तो मतलब बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया। जैसे कि सेमेस्टर एग्जाम्स खत्म हुए थे तो हमने सोचा कि क्यों ना घर चल दिया जाए, अभी कुछ दिन रहने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा चेंज भी होगा बिकॉज बहुत दिन तक जब घर नहीं जाना तो फिर बहुत याद आने लगती है। तो बस निकलते हैं हम सभी। चले भी ये तो पूरा पैक ही हो गया सामान से, वो वाली गाड़ी भी पूरी पीछे पैक है और ये भी पूरी पैक हो चुकी है। इतना सारा सामान हो गया है गाइस कि पूछो ही मत। अरे वो तो सब आ जाता है, अब सीएनजी गाड़ियां चल गई ना, करने के चक्कर में चलाते हैं, डीजल में पड़ता नहीं होता। सही बात है, चक्कर में तो एक ही डिजायर में पूरा सामान आ जाता है, डिग्गी इतनी बड़ी रहती है डिजायर की। नहीं अच्छा, और चार ही लोग बैठ सकते हैं ना, लेकिन हम तो छह लोग थे। दो गाड़ियां तो करनी पड़ती, दो तो वैसे हाँ। भी करनी ही पड़ती। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए रेलवे स्टेशन। दोनों गाड़ियां एक साथ ही पहुंच गई। जाने की खुशी। पापा का भी वीडियो कॉल आ चुका, कहाँ पहुंचे हमने, कैब में पहुंच रहे स्टेशन। स्टेशन आ गए पूछे, श्वेता भी आ रही है, रीमा मैंने मैं बोली हाँ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने आ रही है। आगे तो कुछ नहीं लगा था। अपने कितनी ठंड है गाइस, बहुत ठंड है। हाँ बस बारिश की ही कमी है, सुबह लगा कि बस बारिश होगी ऐसे में तो हाँ। चलना और कुछ दूर दूर से कोहरा भी तक दिख रहा है, बहुत ज्यादा ठंड है। करिए और चाहिए इतना क्या लिखा है, उतरिए और जाइए, रुकना मना है, पिकअप मना है। ठंड कितनी ज्यादा है यहाँ। सो हम लोगों ने एक एक ट्रॉली एक एक बैग सब लोगों ने ले लिया। और ये और तुम्हारे भैया कितने फास्ट चले गए, दिख नहीं रहे। ओह माय गॉड, इतना एंजॉय सामान लेकर के मेरे पहली बार। ओह मम्मी मजा आ गया ना नीचे से ऊपर आने में, कुछ ज्यादा ही मजा आ गया मुझे। ओह माय गॉड, ये देखो एनर्जी तो बिल्कुल जैसे लग ही रह रही हो, एक मैं वो पीछे पीछे चल रही घर थक के जुगुर जुगुर। मेरा बैग में ऐसे चल रही हूँ सीधा सीधा। तो ओह माय गॉड, छुड़ाने कोशिश हिला दो। स्टेशन में भी बैग की दुकान दिख गई है, बैग बैग
लगता है बैग लेना ही पड़ेगा, लगता है लेना ही पड़ेगा बैग, है ना। पर कल अच्छे मिल रहे थे न्यू मार्केट में, है ना, तो बहुत अच्छे। डब्बे के सामने चले। हाँ हाँ, कौन सा है? चल आओ गाइस, चलो गाइस। मेरा तो S8 है, पता नहीं अभी कहाँ है। चलो, ये क्या हो रहा है, ये कौन मिल गया? कौन मिला भाई? आगे करके ऐसे देखी। अरे जागृति, हाँ यार, तुम यहाँ कैसे? कितना अच्छा है यार, बताओ। देखी मैं तुम मिलने आ गई। आज तो जस्टी की फ्रेंड्स मिल रही, एकदम लगातार है ना। जान गई कि जागृति है, लेकिन पता चला पीछे से जाऊं कोई और निकल गया, ये कौन चिपक गया मुझे। मैं आगे से देख ली, आई नहीं हम लोग फिर मिलेंगे। सच में यार, 10-12 दिन बाद ना आना। देखिए मेरे बर्थडे पे मुझे सरप्राइज देना। ऐसा सरप्राइज कौन मांगता है यार, मतलब मुझे बिना बताए। अरे रे, लेकिन आ जाना, लेकिन आ जाना। स्क्रिप्टेड हो गए। बाय, टेक केयर। तुम्हारी ट्रेन चली गई, तुम्हारी ट्रेन चली गई। ए जयश्री, चढ़ो चढ़ो चढ़ो, ट्रेन छूटने वाली है। बाय। हम लोग बिल्कुल ट्रेन छूटने के टाइम पर ही चढ़े हैं, बताओ। यह है अपना अड्डा। हमारी ट्रेन चलती क्या? अरे कह रही अभी मौका है, उतर जा, बैग छोड़ के आई है ना। बाय। क्या लगता है ना छोड़ने में, क्या भैया एकदम है ना यार। सही बात, ऐसा लगता है कि जयश्री की जुड़वा सिस्टर है वो। सच में आया है ना, मतलब 3 से 4 बहन हो गए। सिया देखेगी ना तो बताएगी 3 से 4 बहन हो गए। तो गलती से निकल गया, गलती से निकल गया। देखो सिया मैं माय साइड ले रही हूं, गलती से निकल गया मुझसे। सही बात है, लेकिन हम सब लोग जाएंगे साथ में। नहीं, पर ये लोगों ने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा बॉन्डिंग बना ली है। कम लोगों से बन पाती है ऐसी वाली बॉन्डिंग। सही बात, ऐसी वाली कम लोगों से बनी है अभी तक, है ना। हम लोग की तो सही बात, वी मिस यू। ये कैसे बोल रही? मैं इमोशनल होके बोल रही यार, इसीलिए आवाज नहीं हो रही यार। हाँ, बोल रही थी मैं घूमते फिरते आऊंगी बार बार। चलो पापा वेट कर रहे होंगे, फोन लगाते हैं। चलो बैठ गए ट्रेन में, ट्रेन में बैठ गए जिसकी हम लोग। इस साल का रेजोल्यूशन इनका था, मैं वेट कम कर रहा हूँ, है ना। सी क्या हाउ सी फॉलो अरे वाह, भिड़वाने से हो, मैं वही खाऊंगी। और क्या लेंगे नमकीन में बताइए। मम्मी मूंग दाल ट्रेन में बैठो और खाना शुरू करो बस। आप क्या लेंगे? कुछ मीठा। मीठा भी है अपने पास? हाँ यार, मीठा भी तो लाए अपन लोग। हाँ, ये नहीं खाना, यही खा लूंगी। गाइस, मेरे भाई की मेहरबानी, मुझे थोड़ा सा बेल मिली है। मिली है ना? इसके पहले कैसे दे रहे थे जसरी? एक एक इसको बस, ये बड़ी मेहरबानी करके इतनी निकाले है ना। ये भी अच्छा लगता है बहुत।
ये तो मेरा फेवरेट है, ये मिलता नहीं है। मैंने दिया को क्या भैया, लीजिए 10 रुपए। अरे यार पोपट कर देते, जैसे 10 रुपए मुझे मिल चुका है यार। देखा मैं तुम्हें करोड़पति बना दिया रातों रात। इसका क्या मिलेगा? बिस्किट विस्किट खा लेना, पाए ले जी। रखो बेटा चॉकलेट खा लेना। घर जाते समय पैसे मिलते हैं ना, मुझे भी मिले रास्ते में। और गाइस हम भूखे लोगों ने 3 पैकेट समाप्त कर दिए हैं। और घर से निकले हैं तो क्या खाए, ये भी बताइए। खाना खा के निकले, मस्त काढ़ा वाड़ा हल्दी वाला दूध पी के निकले। और 3 पैकेट अभी 5 मिनट के अंदर में 3 पैकेट समाप्त। यार मेरे को मट्ठा पीना है। 3 ही इसके 4 स्टार्ट हो गया है। मट्ठा पीना है। जैसे बचाया था वहां के स्टेशन पे बटर मिल रहा है। बटर अमूल बटर मिल मसाले वाला। एक ही है क्या ये? बचाया एक दो लाया हूं ना। अच्छा लगता है मट्ठे के साथ। हां बचाया रहो इतना बेटा। मट्ठा ऐसा सोच रही हूं जैसे अभी आ जाएगा यही है। तो अभी टाइम 11:25 हो गया है और यहाँ जयश्री अपना ऊपर वाली बर्थ लेट कर मूवी देखने लगी है। ये यहाँ पर लेट गई हैं और यहाँ लेट गई है जया, इधर मम्मी, इधर मैं। और ये हमारा कुछ थोड़ा सा सामान है, कुछ इसके नीचे है। अगर हम लोगों को ये वाली बर्थ नहीं मिलती ना, मतलब ये पूरा एरिया नहीं मिलता, फिर सामान रखने की दिक्कत होती है, क्योंकि जो बैग है ना ट्रॉली, ये सीट के नीचे नहीं आ पाते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये। यहाँ फ़िलहाल मैंने कुछ अपने खाने पीने के लिए रख लिया है, पानी की बॉटल रख लिया है। ये एडिटिंग करेंगी, मैं फ़ोन चलाऊँगा, कुछ देखूँगा और फिर जब लगेगा तो फिर सोएंगे, है ना। गुड मॉर्निंग गाइज, एंड अभी हम लोग पहुँच चुके हैं घर और पापा भी घर पे थे तो वो भी वेट कर रहे थे हम लोगों का काफ़ी टाइम से। तो अभी हम सब लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ठंड थी गाइज रास्ते में, बहुत ज़्यादा। तो अभी हम सब लोग बस बातचीत कर रहे हैं और साथ में सब लोग चाय पी रहे हैं। देन उसके बाद हम जाएंगे मार्केट और चाय इतनी टेस्टी बनी हुई है ना, पापा बहुत तारीफ कर रहे थे दिखा करके। और मैं यहाँ वीडियो भी शूट कर रही थी उनके लिए, जो कि आप रील में देख ही चुके होंगे। सो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं घर और घर पहुंचते सही नहीं घर पहुंच चुके बिकॉज ट्रेन के बाद डायरेक्ट अभी हम कैमरा ऑन कर रहे हैं, उसके बाद तो और ही नहीं किया। ट्रेन के अंदर थे जब हम कैमरा ऑन किया, तो ये देखिए स्कूटी लेके निकल रहे हैं। तो आने के बाद से यहाँ हमें धूप देखने को बिल्कुल नहीं मिल रही है, धूप नहीं है, लेकिन हम जा रहे हैं मार्केट। बहुत कोहरा वाला मौसम हो रखा है, फिर हम जा रहे हैं मार्केट, सब्जियाँ लानी है और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी। मम्मी कैसी ठंडी लग रही रीवा में? बहुत ठंड है यहाँ पर। हाँ रीवा में बहुत ठंड है गाइस, धूप तो निकल ही नहीं रही है, धूप निकल ही नहीं रही है बिल्कुल। चलते हैं मार्केट, देखते क्या क्या लेकर आते हैं आज यहाँ के शॉप में। सो हम लोग पहुँच गए मार्केट, फिर वही गलियाँ फिर वही शॉप। सो माय गॉड, अब तक शहर की तो बात है, हमारा वर्क प्लेस होता है। आज संडे भी है तो मार्केट में भीड़ भी है अच्छी खासी, और फिर वैसे भी मार्केट में तो भीड़ है। रीवा का वो प्लेस जहाँ आते ही, मतलब रीवा आते ही हम सबसे पहले आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। शो अभी हम ले रहे हैं यहाँ पे सब्जियाँ, बैंगन ले रहे हैं, बैंगन ले लिया, आलू चम्मच। जैसे इसके पहले जो भैया आपको दे रहा हूँ
और किसी को नहीं देता। इससे पहले हम लोग शॉप में गए थे, वो भैया का रिएक्शन, काश मेरा कैमरा ऑन होता ना तो हमेशा के लिए कैप्चर हो जाता कि जैसे क्यों रुकना है सुनिए अभी दिखाती हूँ मैं रिएक्शन। सो अभी हम लोग आ चुके हैं मार्केट से घर और अब हो गया सोने का टाइम। हम लोग डिनर विनर करके फ्री हो गए हैं और यहाँ पे है मेरा फेवरेट क्रीम रोल, मतलब ये इतना ज़्यादा पसंद है ना मुझे बचपन से कि क्या बताऊँ। तो ये अभी लेकर आ गए मेरे लिए और ये देखिए यहाँ पे सब बैठ के बातचीत कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और जया शॉपिंग में लगी हुई है बिकॉज माई बर्थडे इज़ कमिंग ना गाइस, तो उसकी भी तैयारियाँ चालू है कौन सी ड्रेस लेनी कौन सी नहीं। ऑनलाइन अगर कुछ पसंद आता है तो ऑनलाइन ले लेंगे, सारे लोग ही शॉपिंग करने में लगे हुए हैं। अगर ऑनलाइन कुछ पसंद आएगा तो ऑनलाइन ले लेंगे, तो ऑफलाइन तो है ही मार्केट से ले लेंगे। और फिलहाल अभी हम इसे एंजॉय करते हैं बिकॉज क्रीम रोल देख के ना, मतलब बोलते बोलते भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हेलो एंजॉय कर लेते हैं, देन उसके बाद सोएंगे आज फिर, क्योंकि आज सफ़र करने के बाद हम लोग थक भी गए थे और फिर दूसरे दिन हम आए एकदम मार्केट चले गए। घर में भी बहुत दिन बाद आओ तो बहुत सारे काम हो जाते हैं पेंडिंग, तो वो भी करना रहता है। तो